गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बक्सर के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्लासी का युद्ध पढ़ाया था। तो देखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, और प्लासी का युद्ध है वह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें जो सिराजुद्दौला है उसका विश्वासघाती था मीर जाफर, वह मतलब एक सेनापति था मीर जाफर, वह उसका विश्वासघाती सेनापति मान सकते हैं, क्योंकि उसने युद्ध मैदान में विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। और इस कारण जो सिराजुद्दौला है वह पराजय का उसको पराजय का मुंह देखना पड़ता है, और सिराजुद्दौला वह अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग निकलता है, और उसे बंदी बना लिया जाता है और मार डाला जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेज हैं वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो अंग्रेज लोग हैं वो तो किसी के भी नहीं थे, उनको तो धन से प्यार था। तो जब तक मीर जाफर ने अंग्रेजों को धन दिया खूब, तब तक तो उसको शासक बनाए रखा। और जब मीर जाफर कमजोर पड़ने लगा तो अंग्रेजों को लगा कि भाई अब इसके पास धन वन की कमी हो गई है, तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी। तो देखिएगा, मतलब कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और उसने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रसन्न करने के लिए अतुल धन भी अंग्रेजों को दिया। और देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफर ने अपने महल के सोने चांदी के बर्तन, जवाहरात और मतलब कई सारे जो सामान है वह बेचे, और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को निरंतर मतलब कि रिश्वत और उपहार वह देता रहा था। अब क्या है कि ऐसा करने से मीर जाफर का राजकोष वह खाली हो चुका था, और मतलब लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज जब उनकी धन लोलुपता बढ़ती गई और वे नवाब से निरंतर धन की मांग करते रहते थे, जब मीर जाफर से उन्हें धन मिलना बंद हो जाता है तो वे उससे नाराज हो गए, और ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाने की सोचने लगे जो उन्हें अधिक से अधिक धन भेंट उपहार आदि दे सके। और इस समय कंपनी को धन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मीर कासिम एक अत्यंत ही धनी व्यक्ति था, अतः वह अंग्रेजी कंपनी को इस आर्थिक संकट से उबार सकता था, क्योंकि उसके पास खूब सारा धन था और वह नवाब बनने के लिए भी ललायित था। अतः अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। तो देखिएगा, 1760 ईस्वी को मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, और इस संधि की मुख्य शर्त ये थी कि भाई मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, वह अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर वह अंग्रेजी सेना की सहायता ले सकेगा, परंतु इस सेना का खर्चा है वह मीर कासिम को वहन करना पड़ेगा। मीर कासिम अंग्रेजों को जैसे कि बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव के प्रदेश दे देगा। मीर कासिम ने दक्षिण में अंग्रेजों द्वारा लड़े जा रहे युद्धों में कंपनी को 5 लाख रुपए देना भी स्वीकार किया। मीर कासिम ने कंपनी के उच्च पदाधिकारियों को 25 लाख रुपए देना भी स्वीकार कर लिया। मीर जाफर को 15,000 रुपये मासिक की पेंशन दे दी गई, और 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, तो मीर जाफर को मतलब पेंशन दे दी जाती है 15,000 रुपये की, उसको पद से हटा दिया जाता है और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब जो मीर कासिम है यह एक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसने गद्दी पर बैठते राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के अनेक कदम उठाए, और इसने अपने सैन्य शक्ति में भी वृद्धि की और प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। इसने अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली बनने से इनकार कर दिया, और जब मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच मतलब शत्रुता बढ़ गई, और 1764 में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, और ये ही था आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो देखिए हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है, और मतलब बक्सर का युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ था। तो वैसे देखें तो प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज है वह
वे मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं यहाँ पे, और मतलब उनका शासन है वह है एक तरह से प्लासी के युद्ध से ही प्रारंभ हो जाता है, और प्लासी के युद्ध में जो भी कमी पूर्ति रही थी वह है बक्सर का युद्ध पूरी कर देता है, और इस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं। और एक तरह से देखें तो इसमें भी क्या है भाई, बक्सर के युद्ध में भी मतलब भारतीय क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि कई ऐसे सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो पढ़ते हम बक्सर का युद्ध। देखिएगा बक्सर ये कहां पर स्थित है, बनारस के पूर्व में स्थित है, और इसके मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की जो संयुक्त सेनाएं थी इनके बीच में 1764 ईस्वी को मतलब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं। और एक और तो मतलब अवध के नवाब और मुगल सम्राट और मीर कासिम आते हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है वह कौन है, हेक्टर मुनरो। अब देखिएगा इसमें मतलब बंगाल का जो नवाब है वह मीर कासिम, अवध का जो नवाब है वह सुजाउद्दौला, और बनारस का जो राजा है वह है बलवंत सिंह, और मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेनाएं है यह है ये मतलब संयुक्त सेनाएं अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, शाहोमल और जैनुल आबदीन को धन का लालच देकर तोड़ दिया। ठीक है, वही बात हुई भाई, अंग्रेजों को पता चल गया था कि जो इंडियन लोग हैं उनमें यदि हम लोग फूट डालने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे जीत सकते हैं, अतः जो जो महत्वपूर्ण जो सरदार लोग थे उनको ये अंग्रेज हैं वो अपनी ओर कर लेते हैं। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसलिए पराजित हो गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था और भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष भी थे। ठीक है, अब देखिएगा कई इतिहासकार हैं उनके मत दिए गए हैं और कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो पी.ई. रॉबर्टसन ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। ठीक है, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले ही अंग्रेजों की शरण में आ गया था, वहीं अवध के नवाब ने कुछ दिन तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद मई 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजम दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने, सॉरी है यहाँ पे रिपीट हो गया है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो देखिएगा जो 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और फिर कंपनी है वह उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया, साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। अब देखिएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम के मध्य एक संधि हुई, और इस संधि की शर्तें देखिएगा, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि का सबसे बड़ा लाभ कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वैधानिक अधिकार के रूप में मिला। ठीक है, तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है इसमें अंग्रेजों की पूर्णतया जीत हुई थी, और एक तरह से देखे तो पूरे भारत पर उनका अपना अधिकार हो गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में आपको और भी बताएंगे, इसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, आगे की वीडियो में कारण और परिणामों के बारे में बताएंगे। तो बने रहे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।